प्रयागराज, कुछ इस्लामिक संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद को आखिरी दिनों में वापस ले लिया गया था। सभी संगठनों ने अपील भी किया था कि अमन और सुकून कायम रखे। इसके बाद भी देश भर से आ रही खबरों के अनुसार मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आज अघोषित जबरदस्त बंदी हुई। इस क्रम में कई जगह से हिंसा और पथराव की जानकारी हासिल हो रही है। इस क्रम में मिल रही जानकारी के अनुसार प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जबरदस्त नारेबाजी हुई। इस दरमियान जमकर पथराव की भी जानकारी हासिल हो रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार अकाला में पुलिस अधिकारियों को पत्थरबाजी के दौरान पत्थर लगे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान एसएसपी और डीएम को भी पत्थर लगा है। पुलिस पत्थरबाजों को खदेड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस की गाड़ियों की भी नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस बल के सामने हो रहे विरोध के दरमियान अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो गलियों और छतों से भी पथराव की भी जानकारी हासिल हो रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार जनपद के कई थानों की फोर्स के साथ आरएएफ की टुकड़ी भी बुला लिया गया है। क्षेत्र की हालत तनावपूर्ण बताई जा रही है। पुलिस मामले को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। इस दरमियान मौके की कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में पथराव दिखाई दे रहा है। पत्थरबाजों के पत्थर के जवाब में पुलिस द्वारा भी पत्थर फेंके जा रहे हैं। इस दरमियान मिल रहे समाचारों के अनुसार स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाया गया है। घटना ने शहर के कुछ और इलाकों में तनाव बढ़ा दिया है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट।